मॉर्निंग आप सभी को, वेलकम आज के ब्लॉग में। तो सुबह मैं उठ गया था, इतने बजे था, लेट हुआ उठने में, साढ़े सात या आठ बजे के आसपास उठा था। कल रात को सोते सोते देर हो गया था, ढाई बज गए थे, एडिट करते करते सो गया था। फिर मेरी वाइफ भी खुद से आ गई, उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, फटाफट खा के अभी निकल पाया हूँ। तो अभी बज रहे हैं 9:14। चलिए, अरे शिफ्ट स्टार्ट करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं अपने आप को। पहले तो शिफ्ट ज्वाइन कर लेता हूँ, 9:14 हो गया, तो 9 से 12 वाला एक ही शिफ्ट कर पाऊँगा, क्योंकि आज मुझे जो ऑफिस है वो स्टार्ट करना है 1:30 से। तो सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी करूँ, कल का कुछ काम भी बचा हुआ है, उसका कुछ काम है, और आज का भी कुछ ऐसा काम है जो ज़्यादा होता है, टाइम लगता है उसको करने में। और उसको करने में टाइम लगता है, तो जल्दी कर दूंगा तो जल्दी भी छूट सकता हूँ, क्या पता शाम को भी निकल सकता हूँ एक दो घंटे के लिए। अभी मैं आ गया हूँ जोन के अंदर, और ऑनलाइन भी कर लिया है अपने आपको, 20% एक्स्ट्रा चल रहा है। मैंने चेक नहीं किया है क्या है, मैसेज सेंटर में ज़रा देख लेते हैं कुछ ऑफ़र है क्या आज का। ट्यूज़डे है, ठीक है, आज का है 6 से 10 मिनिमम 8, 12 से 4 मिनिमम 8, फिर 4 से 8 तक गैप है, कोई बोनस नहीं है, 8 से 11 मिनिमम 8, ठीक है। ये था मैसेज सेंटर। फ्लोटिंग कैश में तो मेरा 10 रुपये होगा, जैसे कल के वीडियो में देखा आप लोगों ने। अच्छा चलिए, ऑर्डर लग गया है, पहला ऑर्डर नमक चीना डोसा 30 रुपये, ठीक है। ये जापरी गोक ये वाले रास्ते से जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ से जो रास्ता दिख रहा है ना, जहाँ से गाड़ी आ रहा है, तो वहाँ से जाना पड़ेगा। तो डिलीवरी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे आज जितना जल्दी हो सके करूँगा। तो मैं पहुँच चुका हूँ नमक चीना डोसा में, ये रहा, और 9:24 हुए हैं अभी, और रेडी होगा 9:32। और क्योंकि मैंने 12 बजे तक का ही शिफ्ट चूज़ किया है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर में ही ये लोग ने मुझे वो ट्रायो सेल्फी मांग लिया था, तो वो दे दिया है मैंने। अभी तो टाइम लगेगा, तो पेट्रोल भी मैंने जैसे कल भरा था उसके बाद यूज़ किया नहीं है, तो फुल टैंक ही है अभी तक। तो पेट्रोल का जो इन्फो है वो आज के वीडियो में तो नहीं दूँगा, क्योंकि आज कल भी करूँगा पार्ट टाइम, अगर परसों तक भी जाता है, 3 दिन तक जाता है पेट्रोल जो फुल टैंक है, जैसे 5 लीटर है तो 5 लीटर में पकड़ो 500 रुपये का जो पेट्रोल है, देखते हैं कितना, 3 दिन जाना चाहिए ना फुल शिफ्ट के हिसाब से। बट पार्ट टाइम में क्या होता है कि थोड़ा तो ज़्यादा ही पेट्रोल जाता है, कोई बात नहीं, पार्ट टाइम में पैसे दिखते कम हैं, बट जब आप वीकली देखते हैं, जैसे आज के वीडियो कल के वीडियो में आपने देखा होगा जो वीकली इनकम, वो देख के अच्छा लगता है थोड़ा, हाँ पैसे बन रहे हैं जैसा लगता है, ठीक है। घर से भी खाना खा के आया हूँ, तो खाने में तो कोई खर्च होगा नहीं आज, फुल टाइम भी नहीं है, पार्ट टाइम ही है, तो फिर वहाँ पैसे बचेंगे, आज कोई खर्चा नहीं होना चाहिए मेरा। चलिए, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा आप लोगों ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, मोटिवेशन मिलता है इससे काफ़ी। अभी देखा तो मैंने ये वापस मांग रहा है, पता नहीं एक ही बार में दो दो बार मांग रहा है एक ही ऑर्डर में, अच्छा ही है, ऑर्डर में भी टाइम है, अभी दे देते हैं। तो पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया है मेरा, और कस्टमर ने पहले ऑर्डर में कैश दिया है, प्लस सुबह सुबह लक्ष्मी का दर्शन और 7 रुपये टिप, मज़ा आ गया, पहला ऑर्डर में टिप मिल गया। चलिए डिलीवरी कंप्लीट करते हैं, यस यहाँ पे तो 30 रुपीज़ दिखाया था, 13 रुपीज़ वेट टाइम भी मिला, बढ़िया 8 रुपये बस, चलिए मस्त। नेक्स्ट ऑर्डर भी नमक चीना से ही लग गया है, वो ऑर्डर डिलीवर करके मैं इधर आ गया था नमक चीना में, और रेडी फॉर पिकअप है, तो लेके फटाफट डिलीवर करते हैं इसको। चलिए, मेरा सेकेंड ऑर्डर भी डिलीवर हो गया है, और कस्टमर ने QR कोड में पे कर दिया है। वैसे आज टेंशन नहीं कैश देने से भी, क्योंकि
रेंट के लिए भी मेरे पास कैश में ही है, जो मेरा घर का रेंट है ना, तो वो भरने के लिए मुझे ATM में डिपॉजिट करने के लिए जाना ही है आज। तो चलेगा, कस्टमर भी कैश देंगे तो वो भी डिपॉजिट कर दूंगा एक साथ। पेमेंट हो गया है, अभी तो मैं वैसे आउट ऑफ जोन हूँ, देख लेते हैं। कमेंट आए हैं एक दो आज के वीडियो में, तो वो रिप्लाई कर देता हूँ, फिर जाते हैं जोन में। 38 मिला है इसका। चलिए चलिए, करेंसी में बैठ के थर्ड ऑर्डर लग गया है भारतीय जलपान का, रीच कर देते हैं। पहुँच तो गया हूँ मैं, सामने ही हूँ। सेल्फी मांगा है तो दे देते हैं सेल्फी। टी शर्ट दिखाई नहीं, टी शर्ट दिखा के एक दे देता हूँ अच्छे से। रुकिए, दोबारा मांगेगा क्या ऑप्शन? अरे मांगा ही नहीं, छोड़िए। तो वेट करना पड़ेगा, 10:52 10:45 हो रहा है, थोड़ा 5-6 मिनट वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये वेट टाइम मिल जाएगा। कहाँ पे जाना है देख लेते हैं। अरे पल्टन बाज़ार के सामने जाना है यार, सिर्फ 30 रुपये में बिजली मेरी गली। ओके चलिए, तो थर्ड ऑर्डर मेरा डिलीवर हो चुका है, डिलीवरी कंप्लीट कर देते हैं इसको। वेट किया था थोड़ी देर, 7 मिनट वेट किया था, तो देखते कितना रुपए, 5 रुपये शायद मिले, 5 रुपये मिला है। और 3 ऑर्डर में 123 हो गए हैं, आउट ऑफ जोन दिख रहा हूँ। जोन ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े से आगे जाने से जोन मिल जाएगा मुझे। यहाँ से सीधा घुस सकता हूँ जोन में, तो एक जोन में पहले घुस जाता हूँ। और बोनस ख़त्म हो गया क्या? 11 ही बजे यार, सुबह तो देखा था कुछ और, अभी कुछ और, ऐसे कैसे हो गया? अच्छा, 6 से 10 तक है, 10 से 12 के बीच में नहीं है, फिर 12 बजे शुरू होगा। तो यानी अभी मैं तो 12 बजे करूँगा, तो 12 बजे तक मेरा कोई बोनस नहीं होगा। तो मैं आ रहा था, ब्रिज के ऊपर था, तब कला में ऑर्डर लगा था, सिर्फ 20 रुपीज़ का ही है, ज़्यादा दूर देना भी नहीं है। वहाँ से लेके वहाँ पे कहीं पे है, 5th बैलेंस के आसपास। चलिए, ये मेरा डिलीवरी IDFC फर्स्ट बैंक में था, तो 20 रुपये मिले थे इसके, सामने से लेके सामने ही देना था, इसलिए ज़्यादा रुपये नहीं था। कुछ ज़्यादा दिया है क्या? नहीं दिया। जोन के अंदर ही हूँ मैं, देखते हैं। भारतीय जलपान में एरोमार्क है, बोल रहे हैं वहाँ जाओ, चलते हैं। एंट्री में आके वेट कर रहा हूँ मैं, और देखिए कई लोग साइकिल से भी करते हैं यहाँ पे। करेंसी में आपको दिखेगा जोमेटो स्विगी बहुत सारा, तो इस तरह से रहता है। मेरे पीछे आप देख सकते होंगे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो वो बैठे रहते हैं। ऑर्डर मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि आसपास में 3-4 रेस्टोरेंट हैं। मैं तो 12 बजे तक ही करूँगा, अभी ज़रा टाइम है नहीं, देख लेते हैं क्या होता है। चलिए, मैं बैठा हुआ तो ऑर्डर लग गया है, द स्टे फिट किचन, नारायणपुर रोड से लेना है और डिलीवर बहुत दूर करना है, फैंसी बाज़ार में जाके डिलीवर करना है। भगवान, 49 के लिए फैंसी बाज़ार, कोई बात नहीं, जाते हैं करके देखते हैं। तो ये नारायणपुर रोड में आ चुका हूँ, यहाँ पे भी देखिए ये है रेस्टोरेंट स्टे फिट, और बगल में है रोनीस, मतलब एक ही रेस्टोरेंट है, दो नाम है, कभी रोनी किचन से लग जाएगा, कभी स्टे फिट से लग जाएगा। कई सारे रेस्टोरेंट के ऐसे बहुत सारे नाम भी होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना होगा। और ऑर्डर में अभी टाइम है, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, 53 हो रहा है, 58 को रेडी होगा, थोड़ा वेट टाइम मिल जाएगा, 50 रुपये के ऊपर मिलने से सही है, 60-70 मिले तो और भी अच्छा, टिप वगैरह मिल जाए तो। लेट्स सी, देखिए फैंसी बाज़ार का जाम, ऐसा हालत होता है, इसलिए आने का मन नहीं करता फैंसी बाज़ार, क्या कर सकते हैं, लेकिन ये सब भी एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है।
ब्रिज क्रॉस करने के बाद आगे जाके लेफ्ट साइड में है तस्लीम मार्केट, वहाँ पे देना है सेकंड फ्लोर में। स्कूटी रख के भी जा सकता था लेकिन वहाँ से कोई ऑर्डर लग गया तो फिर और कहीं लग गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए स्कूटी लेके जाना ही सही है। तो ये ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, कस्टमर ने एग्जैक्ट कैश दिया है 254। बहुत तकलीफ़ होता है फैंसी बाज़ार में आने से, थोड़ा टिप तो देना चाहिए, डिज़र्व करते हैं लोग। चलिए, नेटवर्क कम है तो हो नहीं रहा है, बाहर निकलते ही हो जाएगा। वही नहीं रहा यार, ट्राई कर रहा हूँ तब से। एक मिनट दो मिनट हो जा रहा बराबर। इसके बाद वाला कोई शिफ्ट मैंने दिया नहीं है तो यहाँ पे मेरा ड्यूटी स्टॉप हो जाएगा। इनको लोकेशन नहीं मिलेगा तो ये करेंगे भी नहीं। लीवर क्लींजर डिटॉक्स चीज था, चलिए 2 रुपये एक्स्ट्रा मिला है इसका। मेरा शिफ्ट कितना बजे तक करता है? ख़त्म हो गया शिफ्ट, ठीक है जाता हूँ अभी घर फटाफट। देखिए फैंसी बाज़ार में कैसा बाज़ार लगा है, अभी ठंडा का कपड़ा ज़्यादा निकला है फुटपाथ में। ये सारा देखिए, फ्रूट्स दिखा था, मैं सोचा था कुछ फ्रूट्स ले लो, फिर निकल गया, लिया नहीं। तो ऐसे ही जाना पड़ेगा अभी धीरे धीरे, 1:30 से ऑफिस करना है, पहुंच जाऊंगा 1 घंटे में। अब कहां से घुसा था वो मैं तो भूल चुका हूँ, तो अभी ऐसे ही निकल रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा जा सकते हैं, फ्लाईओवर के ऊपर से भी जा सकते हैं, तो देखेंगे। देखिए चलिए, रात को निकलूँगा मैं अगर टाइम हुआ तो। तो मैं अभी गोविंदा में आया हूँ डोसा वगैरह लेने के लिए, यहाँ पे भी ऑर्डर लगता है लेकिन अभी तो मेरा ड्यूटी ऑफ हो गया, तो डोसा लेके जाता हूँ। 1:30 से ऑफिस है, वो करना है, करते हैं जल्दी जल्दी। अभी रात के 9 बज रहे हैं और बहुत अच्छा हवा चल रहा है, एक मतलब अंदर से मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, इसलिए मैंने सोचा एक बार रिकॉर्ड करके बताऊं आप लोगों को। थोड़ा ठंडा ठंडा वाला, ज़्यादा ठंडा नहीं है, जैसे कि आप देख सकते होंगे फैन चल रहा है, बट एकदम फ्रेशनेस वाला हवा एक चल रहा है। तो स्विगी तो जाने का सोचा था मैंने, आज ऑफिस का काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है तो नहीं जा पाऊँगा। और तो दिन को जो अर्न किया था 194, वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो आज का मेरा अर्निंग यही है 194, 3 घंटे 27 मिनट में 5 ऑर्डर। लास्ट ऑर्डर में ऐसा हो गया था कि मुझे पल्टन बाज़ार भेज दिया था, और पल्टन बाज़ार जाने के बाद वहाँ से मुझे आना पड़ा खाली, और मेरे जो मेरा जो स्कूटी का पेट्रोल है वो थोड़ा पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ हो रहा है,
जैसे कि हो गया आपका, मेरे वाइफ को मैं छोड़ने के लिए जाता हूँ हॉस्पिटल, तो उसके लिए भी थोड़ा यूज़ हो रहा है पेट्रोल, तो उसका 10-20 रुपये माइनस करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम जब मैं कैलकुलेट करूँगा एक्सपेंसेस में, तो पेट्रोल के एक्सपेंसेस से थोड़ा 10-20 रुपये माइनस करके बताऊँगा आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं। मेरे वाइफ तो नाइट ड्यूटी के लिए चली गई है और उन्होंने डिनर भी बना के गई है, तो मैं और पापा दोनों खा लेंगे बाद में ऑफिस ख़त्म करने के बाद, मिलता हूँ आपको बाद में। चलिए, खाना खा के हो गया है, डिनर कर लिया है, पापा को दवाई भी बता दिया कौन सा खाना है, उन्होंने खुद से खाया, तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज तो मैं, खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा था, ऐसे जगह के नींद आ रहा है सिर्फ, तो अभी मैं सो जाऊँगा। बहुत सारा काम पेंडिंग है मेरा, मतलब घर के काम, अलग अलग काम, टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, स्विगी के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, यानी आज जैसे कि इतना काम किया मैंने। ठीक है, फिर आज की वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, कल वेंसडे, कल मॉर्निंग शिफ्ट है तो कल शाम को मैं जाऊँगा, कल ज़्यादा होगा मोस्ट प्रोबेबली, देखते कल कितना घंटा कर सकते हैं। ठीक है, और इवनिंग को करूँगा तो अर्निंग भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, चलिए ध्यान रखें अपना, अपने फैमिली वालों का, मिलते हैं कल, बाय बाय।